अभी फ़िलहाल हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो जवाहर करके नाम का व्यक्ति है, वहाँ से मौके से पकड़ा गया था। उसका आज कोर्ट में पेश करके उसको रिमांड पे लिया जाएगा और उसके बाद जब जो भी वो बयान देगा जांच में जो भी चीज़ें तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आलोक में फिर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पहले तो इस जाँच का विषय ये भी है कि जहाँ से शराब बरामद हुई है वो मकान किसका है, उस तो सबसे पहले उस मकान मालिक के को भी तलब किया जाएगा, नोटिस भेजी जाएगी और उसके बाद ही चीज़ें जब स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो पाएंगी कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहाँ से आई, क्यों इकट्ठा की गई थी और इसका क्या होना था आगे, तो ये सारी चीज़ें जब हम अपनी जांच को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे।